अच्छा, इस बीच एक अपडेट आ रहा है कि कुछ भाव एनएससी पर अपडेट नहीं हो रहे हैं, तो आप लोगों को दिक्कत आ रही होगी। प्राइसेस शायद आप लोग की स्क्रीन पे कई जगहों पे मूव नहीं कर रहे होंगे। बीएससी के रेट्स नॉर्मली आ रहे हैं, एनएससी के रेट्स में अपडेट होने में इश्यूज आ रहे हैं। यतिन जुड़ चुके हैं, जो ब्रोकर्स की चिंताएं हैं, क्या होकर है, समय अपडेट क्या है, उस पर यतिन जुड़ चुके हैं। यतिन आए, क्या अपडेट है, दिक्कतें आ रही है क्या, भाव अपडेट नहीं हो रहे क्या हमारी स्क्रीन पर? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, आज सुबह से ही लगभग 9:15 से हमको मैसेज आना शुरू हो गए थे कि एनएससी के दामों में रिफ्रेश नहीं हो रहा है। काफी सारे डर मेंबर्स हों, ब्रोकर्स हों या जॉबर्स हों, इनके यहाँ से हमको खबरें मिल रही थी कि काफी सारे ग्लिचेस के सामना करना पड़ रहा है। एनएससी के कैश दाम रिफ्रेश नहीं हो रहे हैं, वॉल्यूम और प्राइस दोनों के अपडेशन में काफी लैग आ रहा है, 3-4 सेकेंड का। हमने पता करने की कोशिश की और बहुत सारे ब्रोकर मेंबर ने 3 मार्च का सर्कुलर जो है उसके हवाला देते हुए ये कहा कि एनएससी का एक सर्कुलर जो 3 मार्च को आया था, उन्होंने उनमें स्पष्ट तरीके से लिखा था कि आज और कल यानी 7 मार्च और 8 मार्च को एनएससी अपने डिजास्टर रिकवरी साइट से जो है ऑपरेट करना शुरू करेगी। अगर आपको ध्यान है तो काफी सारे ग्लिचेस पहले भी एनएससी में आए हुए थे और सेबी ने ये कहा था कि रिकवरी साइट्स को दुरुस्त किया जाए, और ऐसे ग्लिचेज अगर होते रहे तो एनएससी को शायद पेनल्टी भी भरनी पड़े और रेगुलेटर का एक्शन भी आता हुआ दिखाई देना पड़े। लेकिन अभी एनएससी ने सर्कुलर के माध्यम से ब्रोकर मेंबर्स को ऑलरेडी इन्फॉर्म किया था कि डिजास्टर रिकवरी साइट से जो मेरे हिसाब से इनके सर्वर्स चेन्नई में भी हैं और काफी सारे शहरों में हैं, वहां से ये ऑपरेट कर रहे हैं और इसके वजह से आपको शायद ग्लिचेस का सामना करना पड़ रहा है। तो ये एनएससी की रूटीन एक्सरसाइज है जहां वो अपने रिकवरी साइट जो है दुरुस्त कर रहे हैं, और शायद आपको ये कल भी होता हुआ दिखाई दे क्योंकि 2 दिन जो है आज और कल एनएससी अपने डीआर साइट से ऑपरेट करने वाली है। डीआरएस साइट से ऑपरेट करना है आज और कल, बैकअप साइट चेन्नई में है मेरे ख्याल से और वहां से ऑपरेशन हो रहा है और इसीलिए बैकअप पे गया हुआ है, इसलिए कई शहरों में कुछ भाव अपडेट नहीं हो रहे हैं। ऐसे दिक्कत भरे बाजार में एक और दिक्कत आ गई है।